अच्छा, ये आपके घर के बच्चे हैं? नहीं, वो हम हैं। अच्छा, ये हमारे मामा हैं। अच्छा, आपके मामा हैं ये? ये क्यों, ये बच्चे जाते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? लेकिन रोज नहीं जाते हैं। कौन? अच्छा, ये बच्चा? अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चा बोल नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, इधर की बस्ती जो है गार्जियन, सबको बताया गया है क्लास के। हाँ, तो भेजते क्यों नहीं है? हाँ, आते हैं सर, उनके बच्चे आते हैं। जैसे इधर तक हम लोग उनका कवर किया है, इधर बताया, पूरा उधर सबको बताया गया है, सब बच्चे आते हैं। इस टाइप से है सर। नहीं यार, देखिए काम तो इसमें बहुत अच्छा खासा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे। अच्छा, वो आपके बच्चे का जाता है बच्चा? हमारा बच्चा जाता। क्या नाम है? शैलेंद्र। शैलेंद्र, सैलेन नाम लिखा हुआ है। सैलेन जाता है। और क्या नाम? गगन। गगन, गगन नाम है उसका, छोटा भाई है। गुड्डू है क्या कोई? गुड्डू मेरा भाई। ये गगन कुमार, हाँ ये, हाँ ये बच्चा तो रहा है, रेगुलर आ रहा है। हाँ, ये दोनों बच्चे आपके घर के हैं? हमारे हैं। अच्छा, ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना? खुशबू हमारी बेटी होगी। अच्छा, खुशबू, खुशबू बेटी है। ये खुशबू, अच्छा ये आपकी बेटी है, मतलब आपके घर से तीन बच्चे हैं? अच्छा, ये दो दो लड़के हैं, एक लड़की है। अच्छा, बच्ची का नाम क्या है? खुशबू। क्या बड़े बच्चों का नाम है? खुशबू है। हाँ हाँ, सबके छोटे। अच्छा, तो बच्चे पढ़ते हैं ये? हाँ, डेली। अच्छा, घर पे आके पढ़ते हैं ये? हाँ सर, डेली पढ़ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बस यही जानकारी आपसे लेनी थी ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा बच्चा है क्या? अच्छा अच्छा, 12-13 साल का बच्चा है क्या? वो भी नाम तो अपना नहीं लिख पाएगा, तो बैठ के वहाँ पे तो कैसा? नहीं बिल्कुल। कितने साल का बच्चा है? गर्भवा माँ कितने दिन होगी अभी? 7-8 साल। अच्छा, 7-8 साल का है, तो उसको भेजिए। दरोगा छोटा वाला बच्चा। क्या नाम है? अच्छा अच्छा, 5-6 साल का होगा। हाँ, आपके घर से बच्चे जाते हैं पढ़ने? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, इनके घर में जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं एक दो लोग को, जैसे जैसे बस्ती है पूरी, तो ऐसे जैसे आप आए हैं सामने ना, तो ऐसे लोगों, एक दो लोगों को आप लोग जो है उसमें वहाँ का वो बना लीजिए, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए उस एरिया की, है ना। इससे जब स्थाई लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैंप लगना है, आप थोड़ा। हाँ हाँ, हो जाएगा सर, हम बात करते हैं इसके लिए आपके। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान दीजिए, जैसे बच्चे यहाँ पर शाम को, तो इधर से जानवर वगैरह लोग ले जाते हैं। इसके लिए बात कर लीजिए ना, इनके इनके मतलब जीवन स्तर में सुधार के लिए क्या 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 बेसिक्स मतलब हम लोग कर सकते हैं, उस पर थोड़ा काम करने के प्रयास किया जाए। इसे बहुत बहुत सी इन लोगों को जानकारियां भी नहीं होंगी ना। जांच शिविर लगवा के लोगों की शारीरिक जांच भी हो जाए, जैसे लोग रहते हैं आप? नहीं नहीं, एक बार नहीं, फिर आप ये अगर ये कराते हैं तो आपको रेगुलर कराना पड़ेगा। गुमनाम जो है, क्यों चीजें के देखो, इस पर प्लान हम लोग। आप यहाँ यही रहते हैं? कहाँ है आपका घर? कहाँ है? यही रहता है। अच्छा, आपके बच्चे जाते हैं यहाँ पढ़ने? जम लोग की क्लास है। हमारा भांजा जाता है। हाँ, भांजी जाती है। नहीं नहीं, तो भांजे का नाम क्या है आपके? देखिए, अनमोल। अनमोल, ऊपर ये अनमोल। एक हमारे लड़के का नाम अनिल। अनिल, अनिल क्या नाम बताए? अनिल, अनिल का नाम निकाल दीजिए सर।
आनम है, आनम ये लिखा है, यही है आनम है, डैनी है। आप आते हो पढ़ने वहाँ? हाँ पढ़ने जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अने 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 क्या नाम? अने हो सकता है। अने हमारा अच्छा अने होगा। हाँ हाँ अने हो सकता है। क्या एड्रेस पड़ा है आधार में आपके? हमारा हमारा यहाँ पड़ा है। हाँ अने हाँ यही है अने यही है पूरा पाँच झोपड़ा। अच्छा आप रोज आते हो? नहीं कहाँ, ये देखिए आप ये 6 तारीख को आप नहीं आए थे, 6 है ना, और उसके बाद आप 5 तारीख 6 तारीख के दादी बड़ी भाई जान नहीं आए। हाँ झूठ नहीं बोलना है, 6 तारीख नहीं आता। हाँ पकड़ लेंगे अगर झूठ बोलोगे तो। 5-6 तारीख एक नाम है पूरा पढ़ाई झोपड़पट्टी। अच्छा अच्छा नाम है पूरा पढ़ाई झोपड़पट्टी। क्या नाम है? पूरा पढ़ाई झोपड़पट्टी। पूरा पढ़ाई झोपड़पट्टी इसका नाम है। अच्छा ये भी सी में आती है ये बस? ये पूरा आप लोग भी यही रहते हैं? हाँ ये हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा रिश्तेदार हैं आपके? तो आप लोग बच्चों को भेजिए, रेगुलर भेजिए बच्चों को। बेटा आप आते हो पढ़ने? क्यों नहीं आते हो? अपने अपने घर में पढ़ेंगे, यहाँ के नहीं। अच्छा अच्छा सब अच्छा, जब रिश्तेदारी में आए गर्मी की छुट्टी मनाने नानी के आए होंगे, मैं समझ गया। ठीक है ठीक है। आप भी हैं, आपके भी बच्चे आते हैं? आपके बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने? हम रहते नहीं हैं। आप यहीं से हैं? नहीं यहाँ के नहीं है। अच्छा अच्छा आपकी छोटी है? अच्छा अच्छा यहाँ रिश्तेदारी में आए। अच्छा चली जाएंगे, आज दिल्ली रहती है, यहाँ नहीं रहती। हम लोग तो यहीं पर नहीं। अब दिक्कत ये आ रही है कि जैसे उसमें जो है महिला ने क्या बताया कि वहाँ पर जैसे कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो वो लोग कपड़े को बेच लिए। क्या नहीं ठीक है, देखिए यार आप जागरूक तो आप करेंगे, वो तो जागरूक जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आप एक दिन में इनको आप नहीं सुधार सकते। अभी जो तत्काल में ये बिना कपड़े के घूम रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब इनके सुधार हो जाएगा तब ये कपड़े पहनेंगे। आज अगर हम इनको कपड़े दे रहे हैं तो जैसे उस महिला ने बताया कि इनको एक बार कपड़ा दिया गया, ये सब इनने कपड़े को बेच दिया, तो उसका क्या सलूशन है? उसका मतलब ये तो बहुत क्रिटिकल समस्याएं हो जाएंगी ना। कबीरा किस क्लास में पढ़ते हो आप? किस क्लास में पढ़ते हो? यहाँ क्लास चलती है, बगल में जाते हो पढ़ने? यहाँ क्लास चलती है जाते हो? आज क्यों नहीं गए? नहीं जाते ना? क्यों नहीं जाते? इनसे इनके घर में बात करिए। कहाँ है घर? कहाँ है आपका? वहाँ पे प्रवासी सर। देखिए सर इनको मतलब कपड़े मतलब गर्मी में कपड़े इनको ठंडी का पहनते मतलब कपड़े की दिक्कत है। क्यों बेटा क्यों नहीं जाते हो पढ़ने? और ये बताइए इतनी गर्मी पड़ रही है आप ये स्वेटर क्यों पहन रखे हो, जैकेट क्यों पहन लिया है तुमने? इनका कहना ये है कि जो उस दिन कपड़े बांटे गए हैं यहाँ पे उसमें जो कपड़े मिले इनको वही कपड़े इनको पहना दिए गए मतलब, और कपड़े बेच लिए वाला। बताइए इतना छोटा बच्चा है गर्मी के इतना बहुत विकराल गर्मी ठंडी कपड़ा पहन रखा है, इसके साथ क्या? अच्छा अच्छा आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? अरे सर इनके कहना मतलब ये बच्चे जैसे 8 बजता है जिनको माँ बाप खुद ही पहुँचाते हैं जाओ माँ। अच्छा अरे ये स्थिति है बताइए। लोग बच्चे तो है यहाँ
नहीं यहाँ जो क्लास में आपकी आपके घर से बच्चे कितने बच्चे जाते हैं? हमारे बच्चे तीन। तीन बच्चे, क्या नाम है? आकाश, खुशी, धीरज है। खुशी तो बढ़िया है, अच्छी लड़की। आकाश है, धीरज और खुशी। अच्छा खुशी, ठीक है। तीन बच्चे जाते हैं? गुंजा हमारा नहीं, ननिहाल गए, वहाँ जा गए तो वो भी पढ़ती है हमारी, यहाँ जाए पढ़ जाती है। अच्छा ये बच्चा कहाँ है, उसको बुला? अच्छा चला गया क्या बच्चा? अच्छा है ना, आइए ना देखिए, मतलब क्या स्थिति है अब बतना, बिकॉज इसे यहाँ के अब ये लोग यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, अब बता रहे हैं कि ये जो है अपने बच्चों को सुबह कितने बजे, सुबह आठ बजे मांगने के लिए भेज देते हैं, है ना। अब तो कहीं ना कहीं देखिए ये रियलिटी है यहाँ की, तो कहीं ना कहीं हमको इनके जो गार्जियन है ना उनको इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। देखिए कितनी मतलब, अब देखिए सर सारे बच्चे बिना कपड़े के। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं, है ना, कितनी मतलब भयानक स्थिति है कि मतलब माँ बाप ही बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजा रहे हैं। मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है पढ़ाई से इन लोग का सर कहीं कहीं दूर, तो कहीं ना कहीं ना इन बच्चों पे बच्चों के गार्जियन पे काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, जो ये एरिया है ना यहाँ पे इनके गार्जियन के पे काम करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा यार कि बच्चों को जो है कमाई का या लाभ का जरिया ना बनाएं, बच्चों को जो है ना, हाँ इतना इनका बच्चों का ऐसा भविष्य खराब हो रहा है यार, ये बच्चे क्या करेंगे। तो बच्चों पे काम करने से केवल काम नहीं चल पाएगा भाई, बच्चे को आप पढ़ाएंगे एक दिन बैठा के बुला के पढ़ाएंगे, अगले दिन फिर सुबह 8 बजे चले जाएंगे अपने, हाँ कोई जो है चौराहे पर भीख मांगेगा। बच्चा मिला था छोटा वाला, सोचिए आज कितनी तारीख है, 8 तारीख है, 8 जून, 8 जून है, सोचिए शहर का कितना तापमान है ना, भयंकर गर्मी है शहर में। लेकिन यार हमको आश्चर्य हो रहा है कि वो बच्चा जो है उलन जैकेट पहन रखा था, है ना, तो इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, इस पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है उनके गार्जियन उनके माँ बाप उन बच्चों को जो है पैसे के लिए ना लाभ कमाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चों का तो कोई जो ना दोष नहीं है ना। अगर मान लीजिए उनकी एक जो जनरेशन थी उनकी माँ बाप की, उन्होंने बच्चों को ऐसे रखा बिना शिक्षा के, उनसे भीख मंगवा रहे हैं, है ना, उनसे काम करवा रहे हैं ना, लेकिन ये बच्चे अपने बच्चों से ये काम ना करवाएं, इन बच्चों पे तो काम किया जा सकता है ना यार। देखिए अगर हम लोग सोचेंगे ना बहुत ही कठिन काम लगेगा, हम एक साथ पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन एक मोहल्ला एक मलिन बस्ती या एक किसी जो है उसमें तो काम किया जा सकता है ना। तो इसका एक प्लान करिए, क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, किधर चलना है बताइए, रास्ता बताइए, क्योंकि जो स्थिति है ना वो बहुत ही ना भयानक स्थिति है। बताइए इतनी योजनाएं बनती हैं, इतने नियम कानून बनते हैं, है ना, लेकिन इनका जीवन स्तर देखिए, अभी अभी जो हम लोग जिस उससे आ रहे हैं इस पर काम करने की जरूरत है। शिक्षित इनको आप लगातार करिए, क्लासेज और इनको बढ़िया लें, है ना, हाँ इनकी क्लासेज को अच्छे से चलवाइए, इनको जितना अच्छा इनको आप जो है शिक्षा दे सकते हैं, हाँ
क्योंकि हम लोग के पास इस समय सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। अगर हम इनके बच्चों को शिक्षा दे देते हैं तो इनके माँ बाप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, इनसे बच्चों से काम करवा सकते हैं, इनसे भीख मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको उन बच्चों को शिक्षा दे दिए तो उसको थोड़ी चुरा सकते हैं, है ना। इन बच्चों को शिक्षा दिया जाए, हाँ, और कोशिश किया जाए कि इनके ना जो भी हो सके हम लोगों के लेवल पे इनके जीवन स्तर में सुधार हो, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ही करके हो पाएगा। क्योंकि क्योंकि अब मान लीजिए हम लोग इनको 2 घंटे की क्लास दे रहे हैं, अभी 22 घंटे तो उसी माहौल में है ना, हम इनको 2 घंटे पढ़ा के घर भेज रहे हैं लेकिन 22 घंटे तो उसी माहौल में है। तो मान के चलिए जितना हम इनको एक दिन में सिखाते हैं उसका 5% ही इनके पास रह पाता है, बाकी 90 से 95% वो बेकार हो जाता है बाकी के 22 घंटों में। तो यही 5% अगर ना पर डे का इनका सुधार होता रहा तो धीरे 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 बच्चे जो है चीज़ों को सीखेंगे, अच्छा कर पाएंगे। शायद आने वाले समय में ये अपने जो अगली जनरेशन आने वाली है शायद इस जनरेशन से बेहतर हो पाए। करते हैं, शुरुआत है, अभी 2 महीने हुए हैं, है ना, 2 महीने में कम से कम बच्चे बैठना, है ना, बोलना, ये सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। जैसे आज एक सुधार ये हमको देखने को मिला कि बच्चे, मतलब मैं इनके साथ लगभग 2 घंटे रहा बच्चों के साथ, किसी ने गाली गलौज नहीं किया। तो ये भी एक सुधार है, है ना, क्योंकि जो एरिया है यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर एक दूसरे को गाली गलौज ना करते हैं, गाली दे के बात करते हैं, कम से कम बच्चे गाली तो नहीं दे रहे हैं। ऐसे और भी काम किया जाएगा तो इनके अंदर सुधार होगा। इस समय हम लोग जो है सिविल लाइन एरिया में, और यहाँ की दुनिया देखिए, है ना, इसको देखने के बाद लगता ही नहीं है कि इसी प्रयागराज में एक दूसरा पहलू भी है। क्यों? ये एक शहर का तो हिस्सा नहीं है, ये मतलब एक हमारा जो समाज है ना उसके 2 हिस्से हैं ये। देखिए एक ही शहर के 2 हिस्से, क्यों, दोनों में कितना अंतर है। एक तरफ क्या है, उन्हें एकदम अंधेरा, एक तरफ एकदम चमचमाती हुई दुनिया है ना, लोग अपने अपने में बिजी हैं, है ना, और एक तरफ ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोग अपने जो है बेसिक नीड्स भी नहीं पूरा कर सकते, लोगों के पास सही से खाने के लिए सही, है ना, है नहीं। तो ये किसी शहर के 2 हिस्से नहीं है, ये पूरा जो हमारा समाज है उसका 2 हिस्सा है। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, इनके गार्जियन का जो है ब्रेन वॉश करना, गार्जियन को समझाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों में बहुत काम नहीं करना पड़ेगा अगर इनके गार्जियन सपोर्ट कर दें, अगर इनके, हाँ बिल्कुल, तो अगर इनके गार्जियन हमारी बात को समझ जाएं, हम लोग क्या करना चाहते हैं इनके लिए, अगर उसको ये समझ पाए तो हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि बच्चा 2 घंटा तो हमारे साथ है लेकिन उसके बाद बच्चा 22 घंटा तो इनके इनके साथ है ना। अगर ये हमारे जो है कॉन्सेप्ट को समझ जाएं,
हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। अगर हम लोग इनके माँ बाप को ये चीज़ समझाने में सफल हो जाएं, तो हमारी चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। क्योंकि जब तक गार्जियन ने सर बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लिया है, हाँ हाँ, उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। वहाँ पे कई गार्जियन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे रेगुलर जाते हैं। मैंने रजिस्टर भी चेक किया पूरा, जो है मैंने देखा अप्रैल और मई में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मुश्किल से 2-3 एब्सेंट होगी। इतना चलता है यार, बच्चे हैं तो इतना चलता है। अब बच्चा है यार तो 1-2 दिन वो गायब होगा ही होगा, है ना। हो सकता है बीमार हो गए हों या कोई जो है कहीं किसी प्रोग्राम में चले गए हों, तो कुछ बच्चे हैं। हाँ, एक हम लोगों की एक जो मुहिम हम लोगों ने शुरू किया, जो अभियान शुरू किया, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम लोग को अभी बहुत काम करना पड़ेगा। जो मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि इनके गार्जियन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके गार्जियन हमारी बात को समझ गए, हम इन बच्चों को 2 घंटे जो सिखाते हैं, इनके गार्जियन जो है बाकी के जो 22 घंटे हैं इन बच्चों को उसी माहौल में रखने की कोशिश करें, तब तो ये संभव है, तब सुधार हो सकता है। और इसके लिए सिर्फ एक जागरूकता अभियान भी, जैसे केवल गार्जियंस के लिए उनको इकट्ठा करके समझाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगला पॉइंट यह डिस्कस ही करने वाला था कि हम लोग क्या करें, कोई दिन या कोई समय ऐसा निर्धारित करें जब इनके सभी जो है गार्जियन को हम लोग एक जगह पर एकत्रित करें, एक जैसे होता है टेंट वगैरह लगा के, और इन लोगों को वहाँ बुलाया जाए और इनको समझाने का प्रयास किया जाए। ये एक बार नहीं समझेंगे, 2 बार नहीं समझेंगे, 3 बार नहीं समझेंगे, जब हम वही प्रोग्राम 10 बार करेंगे ना, तो यार निश्चित है कि ना लोग समझेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं समझेंगे सभी लोग, 10% लोग तो हमारी बात, 10 बार अगर हम कोशिश करेंगे तो 10% लोग तो हमारी बात को समझेंगे ना। और अगर 10% भी लोग हमारी बात को समझ गए 10 प्रयास में, तो वैसे हम अगर 10-10 प्रयास लगातार हर जगह करते जाएंगे तो चीज़ें हमारी आगे बढ़ती जाएंगी। और हमको लगातार बच्चों की संख्या बढ़ानी है ना। ये बहुत देखिए हम लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ का विषय है कि बताइए, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे भीख मांगने जा रहे हैं, वो भी एक प्लान के तहत। कहीं वर्तमान के चक्कर में भविष्य खराब। बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या वर्तमान है यार, भीख मांग के क्या वर्तमान आप बन जाएगा, है ना। तो बिल्कुल नहीं।